नमस्कार दोस्तों, बीएसई ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस यूपी ट्रिपल सी लेटेस्ट न्यूज़ में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें, फिलहाल ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के जो 3133 पद थे, इन पदों पर हुई भर्ती में रिक्त पद भरने पर कोर्ट ने किया यूपी ट्रिपल सी से जवाब तलब। वेटिंग सूची नहीं बनाने से मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों का नहीं हो रहा है चयन। तो इस संबंध में क्या है लेटेस्ट अपडेट, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर बता दें, वही दिया गया कि प्रतीक्षा सूची नहीं बनाने से मेरिट में नीचे रहेगा अभ्यर्थियों का नहीं हो रहा है चयन। तो हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के 3133 पदों पर सीधी भर्ती मामले में रिक्त रह गई सीटों पर मेरिट से नीचे रह गए अभ्यर्थियों के चयन की मांग में दाखिल याचिका पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई फिलहाल 16 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अमरोहा के अनिल कुमार और अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी और आयोग के अधिवक्ता KS कुशवाहा ने बहस की है। तो याचिका कहना है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास ग्राम सेवक नियमावली 1980 के नियम के 5 वर्षों के तहत सीधी भर्ती में रिक्त पदों से 25% अधिक अभ्यर्थियों का चयन किए जाने की व्यवस्था है। इन अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, मगर उसका प्रकाशन नहीं होगा। बाद में 15 नवंबर 1999 के शासन आदेश के एकल कैलेंडर पद पर प्रतीक्षा सूची ना बनाने का फैसला लिया गया। तो हाई कोर्ट ने त्रिलोकीनाथ मिश्र केस रद्द कर दिया। तो 2014 में चयन आयोग का गठन हुआ, जो ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करेगा। नियमावली बनी जिसमें प्रतीक्षा सूची तैयार करने की व्यवस्था जो है आप लोग की नहीं की गई। तो फिलहाल आप लोग को बता दें आप सभी को कि 18 जुलाई 2018 को जो चयन परिणाम घोषित हुआ, इसमें 2447 अभ्यर्थी जो सफल हुए और 186 जो पद थे इनके परिणाम रोक लिए गए। टोटल जो आप लोग के यहाँ पर 2447 अभ्यर्थी सफल हुए, इनमें से 186 पद जो है इनके परिणाम रोक दिए गए। लगभग 500 अभ्यर्थियों को बेहतर सेवा मिल जाने के कारण उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो दोस्तों, आप लोग बता दें, जिससे पद खाली रह गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने शिव श्याम जो है केस में कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर विचार जो है किए जाने का अधिकार है। ऐसे में प्रतीक्षा सूची बननी चाहिए थी। तो फिलहाल दोस्तों, इसके संबंध में अगर कोई भी अपडेट आएगी तो आप लोग को अप टू डेट किया जाएगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। और अभी दोस्तों, जो आप लोग का वीडियो का एग्जाम हो, इस संबंध में कोई भी अपडेट नहीं आई, जैसे अपडेट आएगी तो आप लोग को सबसे पहले अवगत कराया जाएगा। तो बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSET की क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।